जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गूगल विजन में। मैं कुंदन साहू आपको आरआरबी एनटीपीसी के तहत ट्रेनिंग पढ़ा रहा हूं। तो आइए आज हम चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछला दो पार्ट मैंने पढ़ा चुका हूं कोडिंग डिकोडिंग, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो हम चल रहे थे लेटर कोडिंग में। तो हम पढ़ रहे थे कि कोडिंग जो होता है वो चार टाइप का होता है, जिसमें पहला होता है लेटर कोडिंग। और इसी लेटर कोडिंग में हम इस लेटर कोडिंग का जो होता है कोडिंग क्या होता है, वो चार पांच टाइप से कोडिंग क्या होता है इसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। तो पहला पर है थे फॉरवर्ड पैटर्न पर है। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दूसरा हमने पढ़े थे रिवर्स पैटर्न। तो इसमें आइए एक बार फिर से जान लेते हैं कि फॉरवर्ड पैटर्न क्या है। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो होता है बढ़ते रहता है। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, इसका अगर कोडिंग दिया रहता है एम एन ओ पी, तो यहाँ पे देखना ये कितना का अंतर होता है, बस इसी हिसाब से बढ़ते रहता है। तो और रिवर्स में हमने देखे थे, जैसे रिवर्स में ए बी सी डी होता है और एम एन ओ पी होता है। यहाँ पे रिवर्स में क्या क्या रहता है यहीं पे लिख दिया जाएगा, और ई एफ जी एच, इसमें देखना होता है कि ये यहां से होता है, यहां पे लिखा रहेगा आपको सी, उसके बाद यहां पे लिखा रहेगा एफ और यहां पे लिखा रहेगा डी। तो इसमें यानी अब पता करना होता है इसका जो संबंध होता है, फर्स्ट का संबंध होता है लास्ट से, और लास्ट का संबंध होता है फर्स्ट से, फिर सेकेंड लास्ट का संबंध सेकेंड्स वाले से, और सेकेंड का संबंध जो होता है सेकेंड लास्ट होता है। इस टाइप से हम पढ़ चुके थे रिवर्स पैटर्न। तो आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। इसी में हम जानना चाहेंगे अगला जो पैटर्न होता है वो किस टाइप का पैटर्न होता है। तो इससे अगला हम तीन नंबर का पैटर्न पढ़ेंगे। जो तीन नंबर का पैटर्न होता है लेटर कोडिंग में, इसमें होता है पेयर पैटर्न। या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न, तो आइए हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो होता है इसमें कैसे कोडिंग क्या रहता है। मान लेते हैं ये कुछ कोडिंग है और ये इसको कोडिंग किया गया है। इसमें क्या होता है क्रॉस होता है, जैसे पहले टू टू का पेयर बनता है या फिर थ्री थ्री का पेयर बनेगा। इसमें इस तरह का पेयर रहता है, इसको हम बोलते हैं पेयर पैटर्न या फिर क्रॉस पैटर्न। आइए हम इसमें एग्जांपल समझते हैं कुछ। तो हमने कल एग्जांपल में लिए हुए थे एनटीपीसी, तो आज उसी एग्जांपल को लेते हैं एनटीपीसी के तहत। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं एनटीपीसी, एनटीपीसी का अगर कोडिंग एस एम डी क्यू किया गया है एस एम डी क्यू, तो ट्री का कोड क्या होगा। क्वेश्चन मेरा ये है, एनटीपीसी का कोड अगर एस एम डी क्यू है तो ट्री का कोड क्या होगा। तो आइए समझते हैं इसमें कैसे बनाया जाता है इसको। तो एन टी पी सी और एस एम डी क्यू, तो यहाँ हम प्लेस वैल्यू सबको याद ही होगा, तो हमने कल सबको बताए थे प्लेस वैल्यू। एन का प्लेस वैल्यू होता है 14, टी का होता है 20, पी का होता है 16 और सी का होता है 3, एस का होता है 19, एम का होता है
30, डी का होता है 4, क्यू का होता है 17। तो यहां देखिए क्रॉस पैटर्न क्या है, क्रॉस पैटर्न या पेयर पैटर्न। तो यहां हम देख सकते हैं कि एन का जो संबंध है वो एम से है, एन का संबंध किससे है, एम से है, और टी का जो संबंध है वो एस से है। लेकिन यहां देखिए 14 में से हमको माइनस एक करना है तो 13 होगा, यानी एन में एक घटा के हम एम यहां लिखा गया है, और यहां देखिए टी में एक घटा के एस लिखा गया है। ठीक इसी तरह यहां देख सकते हैं कि पी में जो है एक बढ़ा के क्यू लिखा गया है और सी में एक बढ़ा के डी लिखा गया है। तो इसी तरह हम ट्री का कोड निकाल सकते हैं। हम जानते हैं एस में अगर हम आर में एस घटाएंगे तो क्योंकि यहाँ इसका यहाँ पे क्रॉस किया गया है तो इसीलिए हम आर को यहाँ पे लिखेंगे, आर में एक घटा के लिखना है। आर में अगर हम एक घटाएंगे तो हमको पता है ये क्यू हो जाएगा, माइनस एक कर रहा है क्योंकि 18 होता है और क्यू 17 होता है। उसके बाद टी में हमको एक घटाना है तो पता है टी 20 होता है और 20 में से एक जाएगा 19 होगा और 19 हमको पता है 19 होता है, एस का प्लेस वैल्यू है। उसके बाद फिर देखना है कि यहाँ पे प्लस क्या गया, प्लस 1 है तो यहाँ पे हमको प्लस 1 करना है दोनों को, ई में प्लस 1 करेंगे तो एफ हो जाएगा, इसमें भी एफ हो जाएगा। इस तरह मेरा ट्री का कोड क्यू एस एफ एफ हो जाएगा। इसी में आगे चलते हैं, चौथा पैटर्न मेरा क्या है, चौथा पैटर्न जो होता है लेटर कोडिंग का, उसमें क्वेश्चन रहता है पोजीशन चेंज, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन पैटर्न। इसमें क्या होता है लेटर सेम हो रहा है सिर्फ पोजीशन चेंज होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पोजीशन पैटर्न। इसमें यानी आपस में पोजीशन चेंज कर लेता है। जैसे हम इसका क्वेश्चन लेते हैं एनटीपीसी, क्योंकि मेरा एग्जांपल एनटीपीसी ही चल रहा है तो इसमें एनटीपीसी का जो कोडिंग किया गया है वो सी पी टी एन के तहत किया गया है। एनटीपीसी का कोड क्या गया है सी पी टी एन के तहत क्या गया है, तो ट्री का कोड क्या होगा। तो यहां देखिए ये किस तरह क्या गया है एन टी पी सी, और एनटीपीसी का कोडिंग क्या गया है सी पी टी एन। यहां हम देख सकते हैं कि सिर्फ पोजीशन चेंज किया गया, इसको हम इधर से स्टार्ट करके लिखा गया एन टी पी सी और इसको इधर से स्टार्ट करके इसका कोडिंग क्या गया यानी सी पी टी एन सी पी टी एन। तो सिर्फ यहां देख रहे हैं हम किस पोजीशन का चेंज है, तो इसी तरह हम ट्री का पोजीशन चेंज कर देंगे। तो सबसे सिंपल होता है पोजीशन पैटर्न, तो ई फिर यहां से ई है आर और ये टी, इस तरह मेरा ई ई आर टी हो जाएगा ट्री का। इसी में हम आगे बढ़ते हैं जो मेरा लास्ट पैटर्न होता है लेटर कोडिंग का, लास्ट पैटर्न होता है मेरा लेटर कोडिंग का अपोजिट पैटर्न। तो ये पांचवा पैटर्न होगा जो होता है अपोजिट। ये सिर्फ अपोजिट लिखा रहता है, जैसे हमने कल पढ़े थे आजाद नाम का एक बॉय था, ए का क्या होता है जेड, बी का क्या होता है वाई, ये सब कल पढ़े हुए थे। तो उसी तरह से क्वेश्चन दिया रहता है, तो जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का जो है आपको एक्स होगा, इसी तरह से डी का डब्ल्यू होता है, ये हम सब कल पढ़ चुके थे। तो आइए इस पे देखते हैं कि इस पे जो रहता है कैसे रहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन वही एनटीपीसी है, यहाँ पे एनटीपीसी का जो है एनटीपीसी का कोडिंग किया गया है एम जी के डब्ल्यू, एनटीपीसी का कोड किया गया है एम जी के डब्ल्यू, तो ट्री का कोडिंग लिखना है। तो आंसर किसका देना हमको ट्री का। तो पहले हमको पैटर्न जानना चाहिए कि एनटीपीसी का कोडिंग क्या है, किस आधार कोडिंग क्या गया है। तो हम पढ़ रहे हैं ऑपोजिट, तो एक बार पहले ऑपोजिट ही ट्राई करेंगे एम जी के डब्ल्यू। यहाँ हम देख रहे हैं
एन का अपोजिट एम होता है, टी का अपोजिट जी होता है, जी टी रोड याद ही होगा, पी का अपोजिट के होता है कुर्ता पजामा, सी का अपोजिट डब्लू होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अपोजिट रिवर्स करके लिखा गया है, तो हम यहाँ पे टी का रिवर्स हमको पता है, टी का रिवर्स जी होता है, यहाँ टी का रिवर्स जी लिखेंगे, ठीक। आर टी का रिवर्स जी होता है, आर का रिवर्स हम सबको पता है आई आर, यानी इंडियन रेलवे भी बोल सकते हैं, इंडियन इंटर ही बोल सकते हैं। ई का रिवर्स भी होता है और ई का रिवर्स भी होता है, इस तरह मेरा आंसर जी आई भी भी होता है। तो दोस्तों इस तरह मेरा लेटर कोडिंग समाप्त होता है। और नेक्स्ट जो टाइप टाइप टू है वो है मेरा नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग बहुत ही इजी है टाइप टू। टाइप टू जो होता है मेरा नंबर कोडिंग होता है, हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके थे कि चार टाइप का इसमें सवाल पूछा जाता है। पहला टाइप होता है लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग को ही हम या फिर सिंबल कोडिंग बोल सकते हैं, और तीसरा जो टाइप हो तीसरा टाइप हम लोग पढ़े हुए थे और आप सबको पता ही होगा, तो वर्ड कोडिंग होता है, तीसरा वर्ड कोडिंग था, और चौथा मेरा कंडीशन कोडिंग होता है। कंडीशन कोडिंग का जो सब ये होता है, ये जो टाइप होता है, ये इस टाइप से अब आज तक सिर्फ और सिर्फ बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है। कंडीशन कोडिंग सिर्फ और सिर्फ बैंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम कंडीशन कोडिंग को उतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि मेरा बैच एनटीपीसी का है, लेकिन इसका भी आपको बता दिया जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग ज्यादा फास्ट नहीं है, बहुत इजी है। नंबर कोडिंग में क्या होता है, प्लेस वैल्यू दिया रहता है या फिर उसका सिंबल दिया रहता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, या तो इसको एडिंग करके बनाया जाता है या फिर सबट्रैक्ट किया जाता है या फिर मल्टीप्लाई होता है या फिर डिवीजन होता है, नहीं एक तरह से देखा जाए जिसमें मैथमेटिकल जो है ना कैलकुलेशन होता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में पूरा डिपेंड करता है। या फिर इसमें क्या कर जाएगा, इसका जो प्लेस वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए एम है, एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, हम लोग जानते हैं, इसी को क्या करेगा, इसका कोडिंग जो करेगा तो 1+3 इसको ऐड करके 4 दे देगा, ठीक। जैसे डब्लू होता है, डब्लू को हम सब भी जानते हैं 23 होता है, इसी को 2+3 कर देगा। कभी कभी क्या करता है, जैसे जेड, जेड का 26 होता है, कभी किन क्या करेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड को ले लेगा, 2 दे देगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, 26 होता है जिसको सिर्फ राइट साइड से ले लिया जाता है, यानी सिर्फ कोडिंग 6 कर देता है, कभी कभी इसमें प्लस कर देगा तो माइनस कर देगा, इसी टाइप की नंबर कोडिंग रहता है। तो आइए इसमें हम एग्जांपल से समझते हैं इसको, सब तरह के जो प्रश्न होते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ सबसे पहले देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं, और जैसे a बराबर 2 है, हम सभी को पता दिया रहा है a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4, इस तरह दिया है डॉट 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 डॉट, यानी हम देख रहे हैं, यानी यहाँ पे जेड बराबर 27 दिया गया है, इफ गिवन है। तो इसमें हमको कोडिंग करना है, प्लेस PLAC प्लेस का क्या होगा वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए का जो मूल वैल्यू होता है, एफ का जो मूल प्लेस वैल्यू होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ 2 दिया गया, मतलब हम +1 इसमें क्या गया है, इस तरह 2 लिखा गया। इसमें बी में उसी तरह क्या गया है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, लेकिन इसमें 1 ऐड करके 3 लिखा गया। तो ठीक इसी तरह हम सब इसको करेंगे। हम जानते हैं 16 पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, तो 16 में हमको +1 करके यहाँ पे 17 लिखना है। एल का प्लेस वैल्यू हम सभी को पता है 12 होता है,
और 12 में 1 जोड़ के 13 लिखना है। और A का प्लेस वैल्यू 1 होता है जो दिया गया ही है, इसमें 1 जोड़ना है, इसमें 2 लिखना है इसको। C का प्लेस वैल्यू को पता ही है, दिया गया है 4, तो इसमें 1 ऐड करना है तो ये 5 होगा। और E का प्लेस वैल्यू 5 हमको पता होता है, इसमें 1 ऐड करके 6। इस तरह हम प्लेस का कोडिंग जो है कर सकते हैं 17 13 2 5 6, इस प्रकार मेरा प्लेस का कोड 1713256 होगा। इसी में नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको देखते हैं। यहां हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या गया है। पी ए एल ई को 34 लिखा है, तो क्वेश्चन यहां पूछ रहा है एरेस्ट का कोड क्या होगा, यानी ए आर आर ई एस टी एरेस्ट का कोड क्या होगा। तो यहां सबसे पहले हम सबको पता है कि नंबर कोडिंग का सवाल है तो हमको प्लेस वैल्यू याद होना ही चाहिए। तो यहां देखते हैं, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, ए का जो है 1 होता है, एल का 12, ई का 5। तो सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे, तो पहले ऐड करते हैं इसको, देखते हैं ये 34 आता है कि नहीं। 16 में 1 जोड़ेंगे 17 होगा, 17 में 12 जोड़ेंगे 29 होगा, 29 में 5 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। इस तरह मेरा हम यहां से पता लगा लिए कि इसमें जो इसका प्लेस वैल्यू है वो आपस में ऐड हो रहा है। उसी तरह हम एरेस्ट का जो प्लेस वैल्यू पहले लिखेंगे और उसको ऐड करेंगे तो जो आएगा वो मेरा एरेस्ट का कोड हो जाएगा। तो हमको पता है ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, फिर आर का 18, ई का 5, एस का जो है 19 और टी का 20 होता है। इसको हम आपस में ऐड करेंगे, 18 1 19 19 18 37 37 5 42 42 19 42 9 51 51 10 61 61 20 81। इस तरह मेरा एरेस्ट का कोड जो है 81 हो जाता है। आइए इसको हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन, इसमें बेसिकली 5-6 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम सभी टाइप का क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि नंबर पैटर्न में जो है किस किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस ई डी ए टी ई, इसको जो कोडिंग किया गया है 9 5 9 5 7 3 1 5, इसका कोड दिया गया है कि एस ई डी ए टी ई को हम 9 5 7 3 1 5 कोडिंग करते हैं, तो डिपॉजिट का कोड क्या होगा। यहां पर हम लिख देते हैं, क्वेश्चन में आया डी ई पी ओ एस आई टी, डिपॉजिट का कोड पूछ रहा है। तो पहले हम इसका पैटर्न देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या क्या गया है। तो यहां हम सबसे पहले देखिए एस ई डी ए टी ई, इसमें देखिए क्या किया गया, हमको पता है एस का कोड 19 होता है, यहाँ 19 लिखेंगे, ई का कोड 5 होता है 5 लिखेंगे, डी का कोड 4 होता है 4 लिखेंगे, ए का कोड 1 होता है 1 लिखेंगे, टी का कोड 20 होता है और ई का कोड 5 होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि एस जो 19 है इसको क्या किया गया है, यहां पे देखिए ई हम 5 होता है पता है, डी 4 होता है, एस 19 होता है, ए जो होता है 1 होता है, टी 20 होता है, ई 5 होता है। इसका कोड हमको दिया गया है 9 5 7 3 1 5 दिया गया है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन में जो है मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां देखिए 9 है 5 है, यहां 7 आ जाता है,
फिर जब 3 आ जाता है, 1 आ जाता है, 5 आ जाता है, यानी हमको इससे प्लेस वैल्यूएशन नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सवाल उठाएंगे यहां से, यानी इसको डायरेक्ट जो इस दिया गया है इसी को मानेंगे एग्जैक्ट। ई का 5 तो ई का 5 होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन छोटा रह गया है, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, यानी डिपॉजिट का कोड दिया गया है, ठीक है, या डिपॉजिट का कोड दिया गया है आपको 7528941। यहाँ डिपॉजिट का कोड दिया गया है 7528941 और पूछा गया है आपसे टी ई ए डी का कोड क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है, या एक ये दिया गया है मेरा कोडिंग और एक ये दिया गया है। इसमें हम कंपेयर अगर करते हैं तो यहाँ हमको मिल रहा है कि ई यहाँ भी 5 हो रहा है और ई यहाँ भी 5 हो रहा है। सॉरी ये तो कोड नहीं है, तो प्लेस वैल्यू है, इसका कोडिंग है यहाँ पे 9573 15। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ई का जो है कोड 5 है। यहाँ से हम क्या निकाल लिए, यानी दोनों को कंपेयर करके इस पे देखना पड़ता है कि क्या है। तो यहाँ से हम कंपेयर किए हैं तो यहाँ पे ई का 5 और ई का 5 निकल रहा है, ई बराबर 5 हो गया। हमको क्यों निकालना है टी ई ए डी का, तो यहाँ से ए का हम सीधा डायरेक्ट 3 लिखेंगे, ए बराबर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे टी है, टी 1 दिया गया है, यहाँ भी देख सकते हैं टी 1 दिया गया है, टी बराबर 1 है और ई बराबर हम पता ही है ई बराबर 5 होता है। इस तरह हम इसका कोड निकाल लेंगे। अब यहाँ पे डी बचा है तो डी को हम देखेंगे, डी किसमें, डी यहाँ पर आ गया, यानी डी का 7 होगा, डी इक्वल 7। इस तरह हम देख सकते हैं कि टी ए डी का कोड जो होगा टी 1 हो जाएगा, ई आपको 5 है, ए 3 है और डी 7 है। दोस्तों इस टाइप को क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको प्लेस वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट आपको कंपेयर करके निकालना होता है कि इसका कोडिंग ये ऐसे ऐसे क्या गया है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू लिखना ही पड़ेगा कि एस का प्लेस वैल्यू 19 है और 5 है, ये सब को देखना पड़ेगा, उसके बाद मिलाना पड़ेगा कि इसका जो कोडिंग किया गया है वो प्लेस वैल्यू से किया गया है या फिर डायरेक्ट किया गया है। इसमें हम प्लेस वैल्यू पहले लिखे थे लेकिन वो नहीं किया गया उससे कोडिंग, मतलब इसको डायरेक्ट किया गया, इसीलिए हम दो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो दिया रहेगा, दो डाटा दिया रहेगा और तीसरा डाटा पूछेगा, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप आपस में कंपेयर करके इसका डायरेक्ट कोड फाइंड कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी होता है। और इसी नंबर कोडिंग में दो टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है, तो आइए जानते हैं दो टाइप का क्वेश्चन और क्या क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है मोनूमेंट, यानी एम ओ एन यू एम ई एन टी, या मोनूमेंट का जो कोड किया गया है वो 4635452, ये कोडिंग किया गया है मोनूमेंट का 4635452। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैरियर का कोड क्या होगा, सी ए आर ई ई आर, यानी कैरियर का कोड हमको पूछ रहा है, ये हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं इसका कोडिंग कैसे किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मोनूमेंट, एम लिखते हैं, एम ओ एन यू एम ई एन टी, और इसके नीचे हम इसका कोड लिखेंगे 4635452, और हम इसके ऊपर इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं ऊपर, जिससे कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिले। तो हम जानते हैं एम का जो होता है वो 13 होता है, ओ का जो होता है वो 15 होता है, एन का 14 होता है, यू का 21 होता है, और एम का जो होता है वो पता ही है 13, ई का 5,
एन का जो है हम पता है 14 और टी का पता है 20 होता है। तो इस देखिए यहाँ पे सोचा जाए तो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 4 है, अब इसमें ऐसा क्या किया गया है जो यहाँ पे 4 लिखा गया है, तो हम एक बार ऐड करते हैं। इससे पहले हम बताए था वो, तो यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये मेरा 1+3 करते हैं तो 4 आ जाता है, उसी तरह हम 1+5 करते हैं तो 6 आ जाता है, उसी प्रकार 14 को हम अगर 1+5 4 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पैटर्न जो है वो प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड कर दिया गया है और ऐड करके उसका कोडिंग किया गया है। हम आपको यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो इससे पहले 0 है, इसको 0+5 करेंगे तो 5 नहीं होगा कोई, यहाँ 1+4 हम यहाँ से पता लगा लिए कि जो प्लेस वैल्यू है डिजिट लेटर का प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड करके उसका कोडिंग किया गया है। जब हमको ये पता चल गया है कि प्लस करके प्लेस वैल्यू को प्लस करके किया गया है तो हम इससे कैरियर का निकाल सकते हैं। हमको पता है कैरियर का होता है सी का होता है 3, ए का होता है 1, आर का होता है 18 और ई का होता है 5, ई का होता है 5, आर का होता है 18। तो यहां से हम 3 का कोड 3 लिखेंगे और ये 1 हो जाएगा और यहाँ 18 है तो ये आपस में ऐड हो जाएगा, 1+8 हो जाएगा और इसको हम 9 लिखेंगे 9 और यहाँ 5 का 5 आ जाएगा, ये 5 का 5 फिर यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1+8 तो फिर हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। इस तरह मेरा केजर का जो कोड होगा वो हो जाएगा मेरा 3195559। तो दोस्तों ये मेरा लेटर कोडिंग समाप्त हो जाता है, सॉरी नंबर कोडिंग समाप्त हो जाता है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और रह जाता है एक टाइप का, वो हम जान लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है नंबर कोडिंग में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करना है और अपने दोस्त को साथ शेयर भी कीजिए, और अगर कोई डाउट हो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई अगर आप नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन नंबर कोडिंग में एक टाइप का क्वेश्चन और रहता है तो उसको हम जानना चाहते हैं, उस जो टाइप होता है वो कौन सा टाइप है। क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा ओरल को जो है 3196 कोडिंग किया जाता है, ओरल को 3196 अगर कोडिंग किया जाता है तो रिटर्न का कोड क्या होगा, यानी क्वेश्चन है WRITEN इसका कोड क्या होगा। तो आइए जानते हैं कि इसका कोडिंग क्या किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरल जो है ORAL को 3196 किस पैटर्न पे किया गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ओ का जो कोड होता है वो हमको पता है 15 होता है, आर का जो कोड होता है वो 18 होता है प्लेस वैल्यू, सॉरी आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ 15 होता है, यहाँ पे 3 है, 18 आपस में अगर एड भी करते हैं तो 1 और 5 6 हो जाता है, यहाँ पे 3 है आ नहीं रहा है, टेंशन वाली बात है। फिर इसको क्या करना है, एक बार देखना है इसका रिवर्स तो नहीं किया गया, तो रिवर्स करते हैं तो ओ का रिवर्स हमको पता है कि रिवर्स करने के लिए 27 में माइनस किया जाता है, अगर हम इसमें 27 घटाएंगे -27 करते हैं तो ये 12 आ जाता है और 12 में हम इसको ऐड कीजिए 1+2 तो 3 आ जाता है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम 27 घटाएं यानी आर का जो रिवर्स होता है वो आई होता है और आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, तो हम अगर याद नहीं भी रहे तो इसमें रिवर्स करने के लिए 27 को हम घटा देंगे। अगर याद नहीं है कि आर का उल्टा क्या होगा आर का रिवर्स क्या होगा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, उसमें 27 घटा देना है, आर का प्लेस वैल्यू पता है 18 होता है और 27 में 18 घटाएंगे 9 हो जाएगा। और ए है या ए को रिवर्स क्या करेंगे, ए का उल्टा होगा 27 घटाएंगे 26 हो जाएगा और एल का 15 हो जाएगा। तो यहाँ इससे देखिए इसको आपस में ऐड करके लिखेंगे 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 और 6 8 हो जाएगा
और ये 5 6 हो जाएगा। तो दोस्तों यहां हम देख रहे हैं कि इस पैटर्न पे फॉलो नहीं कर रहा है, 3 आ गया, 6 आ गया, लेकिन ये बीच में 1 और 9 है और यहाँ पे 9 और 8 है। तो नेक्स्ट पैटर्न भी हम ट्राई करेंगे, तो इस पे नहीं बन रहा है, तो देखिए तब कैसे क्या क्या है। अब इस पे एक बार ट्राई करना है कि 12 होता है, 12 होता है, ये 1 होता है, ये 18 होता है और ये 15 होता है। तो हम एक बार इसको देखिए, यहाँ पे अगर इसको 1 और 2 करेंगे 3 हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, इसको हम ऐड करके लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 1 प्लस 8 ये 9 हो जाएगा, इसको ऐड कर दिया जाए 1 प्लस 5। तो दोस्तों ये इससे पहले जो हम 2 बार किए तो आपको बताने के लिए चाह रहे थे कि किस किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हमने वो सब भी किया, उसके बाद भी मेरा कोडिंग याद नहीं हुआ, यानी कोडिंग हमको नहीं मैच किया, तो हम नया कोडिंग किए, तो ये हमें मैच कर गया। तो इसी तरह हम रिटर्निंग का कोड लिख सकते हैं, हमको रिटर्निंग का कोड हमको पता है, W का कोड होता है 23, R का कोड होता है 18, I का कोड होता है 9, T का कोड 20, T का कोड 20, E का कोड 5, R का कोड 14। तो W का वैल्यू 23 है, R का 18, I का 9, T का 20, T का 20, E का 5, N का 14। ये कोडिंग कर दिया है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि राइट टू लेफ्ट अगर आया है, यानी जो मेरा लेटर दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है, इसका राइट से कोडिंग का जो है लेफ्ट आता है, हमको राइट से चलना है। राइट में हमको यहाँ देख रहे हैं कि प्लस क्या गया है 1 और 2 के बीच, इसी को हम 1 और 4 के बीच प्लस करेंगे, तो मेरा यहाँ आ जाएगा 5। तो हम पहले इसको प्लस करके लिख लेते हैं, 5 आ गया, ये 5 आ गया, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इसको भी ऐड करेंगे 2 प्लस 0 तो 2 हो जाएगा, इसको 9 है तो 9 के ऊपर 9 ही आ जाएगा, यानी डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में लाना है, उसके लिए आपको आपस में ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे 18 है, 18 को ऐड करेंगे 1 प्लस 8 तो यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 23 है, इसको आपस में ऐड करेंगे 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो ये तो मेरा हो गया, अभी आंसर नहीं आया है, आंसर यहाँ देखिए यहाँ पे राइट टू लेफ्ट है, तो यहाँ पे हमको फिर इसको लेफ्ट टू राइट करना है, यानी राइट से लेफ्ट लिखना है, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है, तो नया इसका जो कोडिंग हो जाएगा 5 5 2 2 9 9 5, ये मेरा रिटेल का कोड हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन एक पैटर्न और है इस पे जो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वीडियो लंबा होने के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें नंबर कोडिंग पूरा समाप्त हो जाए, इसीलिए थोड़ा और 5 मिनट हमें समय दीजिए। ये नंबर कोडिंग का ये लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो हम देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन दिया रहेगा नाइफ, KNIFE, नाइफ का कोडिंग आपको क्या रहेगा, $3% है और 5, ये डॉलर का कोड, नाइफ का कोडिंग क्या गया है। उसके बाद लेक रहेगा, LAKE, लेक का कोडिंग आपका क्या गया है, $7 5। तो हमें फाइल का कोड निकालना, FAIL फाइल का कोड क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप का सवाल में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसमें कंपेयर करना है इस दोनों में और इसका आंसर निकाल देना है। ये जैसे यहाँ पे देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में कॉमन ई आ रहा है, और ई दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है और साथ साथ डॉलर आ रहा है, तो यहां से तो, और यहाँ के कॉमन आ रहा है, अब यहाँ कंफ्यूज है कि के का डॉलर होगा या फिर ई का डॉलर होगा,
के का फाइव होगा या फिर ई का फाइव होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है एफ। इस पे देखिए एफ एन आई एल एफ हम यहाँ पे मान लेते हैं। अगर हम ऐसे से डायरेक्ट करेंगे जैसे लेफ्ट टू लेफ्ट करते हैं तो के का डॉलर होता है। तो हम लेके चलते हैं पहले इसी टाइप से हम बनाते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट विधि अपनाया जाएगा। के से डॉलर हम मान लेते हैं पहले के का डॉलर होता है हो जाए एन का थ्री आई का परसेंटेज एफ का एच और ई का फाइव। दोस्तों अगर हम यही देख के चलते हैं इस पे ई का फाइव आता है कि नहीं, यहाँ भी अगर हम सेम इस डाटा को अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे एल के लिए कोडिंग सेवन किया गया है, ए का कोडिंग एट द रेट है और के का कोडिंग यहाँ भी डॉलर है और ई का जो कोडिंग है वो आपको फाइव है। तो इस दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि ई का कोड यहाँ भी फाइव है और ई का कोड यहाँ भी फाइव है, के का कोड यहाँ भी डॉलर और के का कोड यहाँ भी डॉलर है। तो यानी दोस्तों इससे मैं साफ स्पष्ट समझ आ गया कि ये लेफ्ट टू लेफ्ट जो है वो कोडिंग इसी का किया गया है, ना कि कंपेयर कुछ नहीं करना इसमें। तो इसके जब इतना हम निकाल ही लिए तो अभी आराम से इसको फैल का कोडिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एफ एफ यहाँ पे एक दो तीन चार नंबर पे है, तो यहाँ भी एफ चार नंबर पे क्या दिया गया हैज, यहाँ पे एफ का हो जाएगा हैज। ए यहाँ पे दो नंबर पे है और ये ए का कोड यहाँ पे एट द रेट है, एट द रेट दे देंगे। के देखिए यहाँ पे एक नंबर पे है, यहाँ भी एक नंबर पे डॉलर और ई लास्ट, तो लास्ट फाइव। तो इस तरह इस टाइप के सवाल में इसी तरह से बनाया जाता है। तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ।